में क्या दिया, और टू गैसेस हैव सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर, दे एक्सपेंड टू सेम फाइनल वॉल्यूम ऑन एडियाबेटिक अदर आइसोथर्मली। तो आपको 89 में बताना है आइसोथर्मल में टेंपरेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबेटिक में क्या होता है, टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। अब अगर वॉल्यूम वी टू आपका वी वन से बड़ा होगा तो टेम्परेचर आपका टी वन टी टू से छोटा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, सॉरी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो फाइनली टेम्परेचर एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेट में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एक्सपेंशन में, टेम्परेचर डिक्रीजेस। और आइसोथर्म में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये आपका आइसोथर्म। तो किस प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आएगा, आइसोथर्मल में ज्यादा आएगा, एडियाबेटिक में डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका ए सही हो गया। फाइनल प्रेशर की बात करें तो आप पीवी डायग्राम देख लीजिए, एक्सपेंशन में पीवी डायग्राम ऐसे होगा, ठीक है। जो स्टीप होगा वो आपका, जो स्टीप होगा वो आपका एडियाबेट होगा, तो ये आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वन टू वन आपका एडियाबेट है और टू आपका आइसोथर्मल। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, आइसोथर्मल में प्रेशर ज्यादा मिलेगा फाइनली, तो आपका टू भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। अब आपका सी पार्ट में क्या है, वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटर फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में वो ग्रेटर है, यहाँ आपको दिख रहा है टू के नीचे एरिया ज्यादा है, वन के नीचे एरिया आपका कम है, तो सी भी सही होगा। डी आपका ऑल द अबव ऑप्शन आर इनकरेक्ट, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट तो कोई नहीं, तो आपका आंसर ए बी सी बन जाएगा।